मिसिज आशिमा ऑस्ट्रेलिया से हमारे पास वेट गेन के साथ आई। उन्हें मोटापे के साथ घुटने के अंदर लिगामेंट टीयर, ACL टीयर जिसे कहते हैं, उसकी दिक्कत थी, साथ में हाइपोथायरायडिज्म और PCOD की प्रॉब्लम्स थी। किसी ज़माने में वे मिसिज ऑस्ट्रेलिया रही हुई हैं और उसके बाद घुटने के लिगामेंट टीयर की वजह से और थायराइड प्रॉब्लम की वजह से उनका 17 से 18 किलो वजन बढ़ गया। I had an injury in my knee, ACL injury, and that was causing a lot of issues with weight gain. I also had a lot of hormonal imbalance, thyroid issues, blood pressure issues, and I decided to go for the sleeve gastrectomy. However, after discussing my case with Dr. Bindal and having the low BMI, as suggested by Dr. Bindal, I went with the endoscopic gastroplasty. इसमें मुंह से एक एंडोस्कोप डाल के पेट को स्यूचर लगा के छोटा कर दिया जाता है। ना इसमें कोई ऑपरेशन होता है, ना इसमें कोई स्टमक या किसी पार्ट को डिवाइड किया जाता है या निकाला जाता है। सिर्फ एंडोस्कोपी से स्टमक को छोटा कर दिया जाता है, जिससे मरीज की भूख कम हो जाती है, खाना पीना कम हो जाता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उसकी वजह से वेट लॉस होता है। और आज उनका 4 से 5 किलो वजन कम हो चुका है एंड शी इज़ डूइंग वेल। I will be going back to Australia tomorrow. April, it's been a week and a half since I've had my surgery, and I've had my post-surgery consult twice with Dr. Bindal since then, and we will be keeping in touch, which is pretty much weekly. He has suggested few exercises, some of the dietary supplements that I need to take, and how to take care. Everything has been going well and I hope it will go well. And Dr. Bindal and his team has been absolutely wonderful. Thank you so much to everyone. जो लोग मोटापे की बीमारी से ग्रसित हैं, डाइट्री चेंजेस के बावजूद उनका वजन कम नहीं हो रहा है और वो कोई ऑपरेशन नहीं कराना चाहते, उनके लिए एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी, जो दूरबीन से, एंडोस्कोप से, बिना किसी ऑपरेशन के द्वारा वेट लॉस का एक बहुत सक्सेसफुल मेथड है, वो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द लेटेस्ट हेल्थ केयर अपडेट्स।